हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बाइक की बात। तो हमारी बाइक को गए 2 साल, तो इसका प्रॉपर रिव्यू बताऊंगा कि सर्विस कैसी है और ये बाइक में क्या फीचर नए आ गए हैं और आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सब बताऊंगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको बाइक, लेट्स गो। ओके, देख सकते हो ये हमारी बाइक। तो अगर पहले इसकी बात करूँ मैं, बाइक को हमारे 2 साल हो चुके हैं और दिखाता हूँ कितनी चल चुकी है। तो इसका मीटर चेंज हुआ था लास्ट वीडियो में, हमने देखा होगा क्या दिक्कत आ रही है, सब बता रखा है, अब जाके चेक कर सकते हो उसका मीटर चेंज हुआ था। तो इसको देख सकते हो 10,853 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये तो इसको हो गया कितनी चल चुकी है। सो ये दिखा दिया ना कितने किलोमीटर चल चुकी है, इसका मीटर चेंज हुआ था, क्या सीन था, क्या दिक्कत थी, अब जाके लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो मेरी। तो मतलब और अगर आपको ये बाइक ले रहे हो तो उससे पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, बिकॉज उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि क्या सीन है, कैसे दिक्कत आई है, क्या है, सब कुछ बताया हुआ है, तो जाके चेक कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदा बाइक लेने से पहले जरूर सोचता है वो है इसकी माइलेज। तो अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो मुझे ये दे देती है अराउंड 45 to 46 की माइलेज देती है नॉर्मली। तो जब मैंने अभी देखा होगा ट्रिप वगैरह भी, तो माइलेज की 45-46 की दे देती है ये मुझे। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इंजन की साउंड, 2 साल में इसकी इंजन की साउंड में कितना फ़र्क आया ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। न्यूट्रल कर देते हैं, जैसे तो निकल टूट चुका है यहाँ का, पर 2 साल में कोई नहीं, इतना तो होता ही रहता है। हाँ, ये न्यूट्रल हो गई। तो चेक करता हूँ मैं इसकी साउंड इंजन की और इसकी कि आवाज़ को चेंज है या नहीं है। तो पहले ये चेक करते हैं, फर्क आया फिलहाल तो 2 साल में, ज़्यादा फर्क तो नहीं आया और इतना फर्क आ जाता है बिकॉज अब 2 साल लगा था, 10,000 किलोमीटर हो चुकी है, थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है। बट फिर भी बोलूँगा जो बजाज का रिकॉर्ड रहा है उसके मुकाबले बेटर है, इंजन अभी भी स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती। और थोड़ी बहुत माइनस जैसे कोई नट वगैरह ढीला हो या कुछ हो तो वहाँ फील हो जाएगी, बाकी आपको वाइब्रेशन वगैरह कहीं फील नहीं होती। और जो मेन एक होता है कि बजाज के ना पैनल से लूज हो जाते हैं, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो लूज नहीं कहूँगा पर इसे ना गैप आ गया है, देख सकते हो ये गैप, इधर का देखो इस गैप दिख जाता है आपको, नीचे गैप आ जाता है, देखो ये चीज़ हो गई। और मैं आपको बताता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी पेंट क्वालिटी जो है वो मुझे पर्सनली लगता है थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, वो इसके अंदर ईजिली स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, मतलब स्क्रैच जो ना पेंट क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कर सकते थे, वो यामा की या KTM वगैरह की इससे बेटर पेंट की क्वालिटी है बजाज से। तो ये चीज़ है। और मैं इसकी आपको ब्रेक की बात करूं कि मैं 2 साल में ब्रेक में क्या सही रही है नहीं, अगर मैं इसकी आगे वाली ब्रेक बात करूं, दोनों डिस्क है, दोनों में ABS आती है, डोल ABS है, तो देख सकते हो डोल ABS आता है। तो आगे की ब्रेक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ये बेटर देन जो ये ब्रेक है, इस ब्रेक से बहुत ज़्यादा बेटर है आगे की, बिकॉज कई बार मैंने देखा ये स्किड हो जाती है पीछे वाला टायर। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ सब सही है फिलहाल, 2 साल में देख सकते 10,000 किलोमीटर में, मैंने सिर्फ इसके एक बार डिस्पैच चेंज कराए थे, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं करवाया और भी सही चल रहे हैं। ओ डोगी आगे डोगी डोगी ये मेरे को सुन रहा है। तो ये चीज़ है, ब्रेक के पीछे वाली थोड़ी मेरे को लगता है कि इम्प्रूव करने चाहिए, नई वाली में शायद इम्प्रूव करी होगी मुझे नहीं पता, बट इसमें थोड़ी इम्प्रूव करके देनी चाहिए थी। और अब रह गए इसकी बात, इसकी लाइट की जो मैं बात करूँ, तो हमने भी राइड करी थी, देखा था आपने जैसे हम टोंगनाथ भी गए थे, उससे पहले भी एक दो राइड मैंने करी है। तो ये 4-5 राइड जो मैंने करी है इसमें लाइटिंग मुझे कोई इशू नहीं हुआ है, नाइट में भी राइड करी है तो लाइटिंग अच्छी है इसकी, ये मैंने डीजल में ये बना रखा है देख सकते हो आइस, तो इस पर तो लाइट इतनी नहीं आती, बट इसका थ्रो ज़्यादा अच्छा है, मतलब और बाइक को जो MT15 हो गई या KTM हो गई, ड्यूक हो गई, उनसे बेटर है ये चीज़ है। लाइटिंग भी अच्छी है, नो डाउट लाइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फुल टैंक पे कितना चल जाती है, तो फुल टैंक पे ये ऑलमोस्ट 450 से 500, मतलब 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी, 500-550 किलोमीटर चल जाएगी, बिकॉज 45 की एवरेज अगर लगाओ तो 450 10 लीटर में हो जाती है, 14 लीटर में, 500 से ज़्यादा चल जाएगी आपकी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 500 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाएगी। और हम राइड करिए तो मैं उसका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा चल जाएगी इजीली। और सीट की बात करूँ, अगर सोलो राइड कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, मुझे जो पसंद नहीं लगता है, मैंने सोलो भी करी है, प्रियंका के साथ भी करी है,
तो सोलो राइड में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन अगर आपके पीछे कोई बैठा पिलियन और सामान भी थोड़ा बहुत, तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 50 से 60 किलोमीटर में पेन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ हो गई। और एक और जो मैं उसके बताऊँ रेस्टिंग वगैरह की, मैं दिखाता हूँ आपको कई कई जगह, छोटी छोटी जगह, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, नट मतलब नट वगैरह में तो हो ही गई है, स्टैंड में तो चलो कोई जैसे पेंट होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हो पेंट वगैरह भी होना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा बहुत। पर 2 साल में अगर मैं MT15 को देखूँ, उसको देखूँ, इसका फिर भी ज़्यादा बेटर है उससे, उसने तो बहुत ज़्यादा रेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरे दोस्त ने दे रखी है, मैं बता सकता हूँ उसका। तो ये चीज़ हो गई। और अगर मैं इसके स्टॉकर की बात करूँ, जो नई बाइक देख रहे हो उसमें USD Fox आ चुके हैं, तो वो एक बेटर चीज़ है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ जो इम्प्रूव कर दी है उन्होंने, तो इस चीज़ का तो मैं तारीफ करूँगा बजाज की, तो ये चीज़ इम्प्रूव कर दी है। और रही बात टायर की, टायर 10,000 किलोमीटर में देख सकते हो क्या कंडीशन है टायर की, अभी चल लेंगे थोड़े अच्छे खासे हैं इसके अंदर और चल लेंगे। पीछे का दिखाता हूँ आपको, पीछे टायर देख सकते हो अभी ग्रिप है इसके अंदर अच्छी खासी, वो डिपेंड करता है चलाते कैसे, पहले स्किड मारते हैं टायर घिसते हैं, और अभी चलाने पर भी डिपेंड करती है ये चीज़। तो टायर तो अभी चल जाएंगे देख सकते हो, अच्छी खासी ग्रिप है इसके अंदर, तो टायर चल जाएंगे इसके अंदर। और रही बात आपकी कि मतलब की प्रॉब्लम क्या क्या आई मुझे इसके अंदर, एक प्रॉब्लम जो रिसेंटली मुझे अभी लग रहा है आ रही है, वो है इसकी जब बाइक चल रही होती है, मतलब चला रहा हूँ तो एकदम से एक उसको 2-4 सेकंड के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। अच्छा 3-4 बार ही हुआ ऐसा कि सबको मीटर आगे बाइक वाला जैसे इस कंडीशन में आ जाएगी, बाइक बंद है आपकी कुछ चल नहीं रहा, मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है, चाबी दूसरी चेंज करके देखना पड़ेगा। तो एक वो दिक्कत जो रिसेंटली मुझे फेस करने को मिली है, जैसे मैंने मीटर चेंज कराया उसके बाद से ही मुझे फेस हुई है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और बटन वगैरह की क्वालिटी मेरे से लोग कहते हैं यामा के बेटर है, पर्सनली मुझे लगता है इसकी ज़्यादा बेटर है, अगर बटन की क्वालिटी देखोगे तो। ये चीज़ हो गई। और मेरे ख्याल से इनको एक ना वो भी दे देनी चाहिए, मेरे को पता नहीं आता नहीं आता नई बाइक में, ये ब्रेक वगैरह ये जो क्लच वगैरह इसके अंदर एडजस्ट वाला लीवर दे देनी चाहिए, वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, चाहे भले ही आप प्राइस थोड़ा 5,000 बढ़ा दो, बट वो दे देनी चाहिए आप। तो ये चीज़ हो गई। और हमारा लोगों भी हट चुका है, लोगों भी लगवाना है, और पर्सनली मुझे भी लगता है जो नंबर प्लेट यहाँ देते हैं ना उसको भाई यहाँ ही दे देनी चाहिए कंपनी से ही, घोष यहाँ से ज़्यादा यहाँ बेटर लगता है, तो कंपनी फिट यहीं पर आनी चाहिए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ इम्प्रूव हो। और एक चीज़ बताता हूँ आपको चार्जिंग का, चार्जिंग आपके फास्ट चार्जिंग नहीं है, जो नॉर्मली आपकी चार्जिंग 30 वाट 40 वाट आती है, पर इतनी स्लो भी नहीं है, मतलब सही है चार्ज कर देगी, अगर आपका मान लो वहाँ पे 1 घंटे में चार्ज होता है तो आपका 1.5 घंटे में चार्ज होगा ये, तो ये चीज़ है हाँ काम चला देगी, ये चीज़ अच्छी है। तो चार्जिंग में इसकी ओके है, ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, ये चीज़ हो गई। तो इसकी बात करता हूँ मैं आपको पीछे से बैक से, बैक से देख सकते हो जो टायर के चेंज कराए हुए मैंने, तो अगर आप लोगे तो आपको अब तो ये टायर ही आता है 140 सेक्शन का टायर आता है, पर पहले 130 का आता था, तो अब आपको ये टायर मिलेगा, पहले जिन्होंने ले रखी है उन पर ये टायर नहीं आता था, तो ये चीज़ हो गई। और जो ये सीट है मेरा थोड़ी सी सॉफ्ट कर देनी चाहिए थी, और जो आपकी पल्सर NS की आती है शायद उससे ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा बेटर लगती है मुझे सीट इससे मुकाबले, तो ये चीज़ हो गई। ये तो हो गई इसकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, और सर्विस की अगर आप देखना चाहते हो, अगर एक और बात कर रहे हैं कि इस बाइक में हीटिंग है या नहीं है, कुछ के अंदर लिक्विड कूलिंग नहीं आती, ऑयल कूलिंग आती है, तो हीटिंग का क्या सीन है, हीटिंग है नहीं है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो अभी इसको मैंने 10 किलोमीटर चलाया अभी, तो अभी तो हीट आपको फील भी नहीं हो रही होगी, सही बताऊँ तो हीट फील भी नहीं हो रही होगी ये चीज़। और अभी हमने राइड भी करी थी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की राइड भी करी थी, उससे पहले भी करी थी, हीटिंग इशू नहीं था, बट जब बाइक मैंने शुरू में ली थी पहले सर्विस करवाई थी, उसके बाद इसके अंदर हीटिंग इशू था, अब वो भी सर्विस की वजह से था, उसका रीज़न ये था इसके अंदर डलता है 1.3 लीटर इंजन ऑयल, बट उन्होंने डाला था 1.2, तो 100 ml इंजन ऑयल कम डाला था, बोलने का वो सिर्फ 100 ml, लेकिन उसकी वजह से हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा था मुझे, मतलब मुश्किल से 10-15 किलोमीटर में हीट हो जाती थी, पैरों में हीट लगती थी, तो ये चीज़ थी। तो हीटिंग इशू वैसे तो उसके अंदर आपको फेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो हीटिंग नॉर्मल होता है वही होगा, बिकॉज ऑयल कूलिंग है, थोड़ा बहुत तो जो नॉर्मल होती है वही होगी, बट अगर आपकी सर्विस पर ध्यान रखना कि वो इंजन ऑयल कितना डाल रहे हैं, सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, सर्विस सेंटर का मेन आपको सर्विस सेंटर पर ध्यान रखना है, बिकॉज इनकी सर्विस सेंटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज़ हो गई। हीटिंग इशू आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे अगर आप सर्विस सही करवा रहे हो, तो अगर सर्विस में थोड़ा बहुत इंजन ऑयल कम हुआ है कुछ भी कर दिया उन्होंने, तो आपको फेस करनी पड़ सकती है। और रही बात ये वो चीज़ कि ये जो दे रखे ना भाई, मेरे ख्याल से वेस्ट लगता है, बिकॉज इसके होने से भी सारी मिट्टी अंदर घुस जाती है, देख सकते हो, चाहे ये हो गया चाहे आपके पीछे का ये हो गया टायर का, फिर भी देख सकते हो हालत क्या हो रखी है,
अभी धोई थी मैंने ये 2-3 दिन पहले, और फिर यहाँ तक देख सकते हो ये, और ये फायदा क्या है जब सारी ऊपर तो आती है, इवन यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक मिट्टी आ जाती है, और कीचड़ वीचड़ में जाऊँ तो यहाँ तक ऊपर तक पूरी मिट्टी आ जाती है, तो इस चीज़ का मुझे कोई बेनिफिट लगता ही नहीं है सीरियसली। बट हटा भी दूँ बट हटाऊँ तो और ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए इसका इतना बेनिफिट मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा इसका कुछ करना चाहिए ताकि मिट्टी ऊपर तक ना आए, कीचड़ में जाऊँगा तो कीचड़ में तो ऊपर तक आई जाएगी मोस्टली। तो ये चीज़ हो गई जो आपको बता रहा था हीटिंग इशू का, और जो मिट्टी वगैरह का कीचड़ में चलाने का सोच रहे हो तो मिट्टी आई जाएगी। और कि मैं अगर आपको चैन दिखाऊँ, चैन की हालत देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदी है, बिकॉज सर्विस कराने के बाद महीना खड़ी रही थी। जो लास्ट में आप वीडियो देख लोगे तो पता लग जाएगा आपको क्या सीन था इसका, जो इसका मीटर सर्विस सेंटर वालों ने क्या हाल किया था, जाके देख सकते हो, मेरी लड़ाई भी हुई थी, जाके आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, और ये लगाने के लिए लोग सोचते कि मॉडिफाई करा के ये लगाएं लगा टायर पर, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको एक सेकंड, कि ये लगाना चाहिए लगाना चाहिए। पर्सनली अगर आपको लुक्स के उस पर चाहिए, सिर्फ लुक्स के लिए और किसी काम के नहीं आता, बट इससे ये थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है। और अगर इससे कोई दिक्कत होती है नहीं होती, पर्सनली मुझे नहीं फील होता इससे कोई भी दिक्कत आपको होगी तो इसलिए लगा सकते हो, अच्छा लुक्स अच्छा आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। तो ये चीज़ हो गई, तो यही था छोटी मोटी चीज़ें जो आप लेना चाहते हो, तो अब तो इम्प्रूव हो गई है। और अगर हीटिंग वगैरह की मुझे फील नहीं हुई, थोड़ी बहुत शुरू में हुई थी, तो ले सकते हो आप इस बाइक को। बाकी ये सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। 2-4 दिन में आपके एक राइड की वीडियो भी आई जाएगी मोस्टली, उसको प्लान कर रहा हूँ मैं। तो और यहाँ पर मॉल वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो हमारे यहाँ मॉल है बिगेस्ट मॉल जो हमारे फरीदाबाद का है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। और यहाँ पे अब मैं सोच रहा हूँ अपने फरीदाबाद को जो यहाँ पे रहता हूँ इसको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।